कि हम फोटोशॉप में एल्बम बनाना। आपके सामने देख लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन पर एल्बम आपको शो कर रहा होगा। एल्बम किस तरीके से फोटोशॉप में 7.0 में बनाया गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं, बनाते हैं किस तरीके से फोटोशॉप में इस एल्बम को क्रिएट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये फोटोज जो मैं यूज करूँगा, अगर आप चाहते हैं कि फोटोशॉप हमारे पास नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फोटो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस फोटो को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप खुद इसे प्रैक्टिस करिएगा। दूसरी बात है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हमें कुछ करना ना पड़े, अपना अपना इमेज हम इसमें एडिट कर लें और फोटो एल्बम हमारा बन जाए, तो ये CDR आपका PSD फाइल भी मिल जाएगा। आप PSD फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद एडिट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना, फोटोशॉप ऑन करेंगे। फोटोशॉप ऑन करने के लिए आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है फोटोशॉप। ठीक है, जैसे टाइप करेंगे देखिएगा सबसे ऊपर हमने फोटो से टाइप किया है। ठीक है, और सबसे ऊपर देखिएगा यहाँ पे सर्च हो गया एडोब फोटोशॉप 7.0, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, हमें एक पेज चाहिए। पेज लेने से पहले हमें प्रोजेक्ट ले लेना है कि किस प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना है। देखिएगा दोस्तों, मुझे मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करके ना फोटोशॉप में ऑन कर लेता हूँ, ऐसे रख लेता हूँ यहाँ पे। थोड़ा क्या होगा, आपको समझाने में हमें आसानी हो जाएगी कहाँ पे मुझे कौन सा इमेज यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या, मुझे एक नया पेज चाहिए। नया पेज लेने के लिए फाइल में जाइए और न्यू पेज क्लिक कर दीजिए। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से एक पेज खुल के आएगा और यहाँ पे आपको साइज सेट कर लेना। देखिए ऑलरेडी मेरा साइज यहाँ पे ऐड होके आ गया 18x7 का इंच में है। ठीक है, आपको जिस तरीके से आप फॉर्मेट दिखाया जा रहा है सेम उस तरीके से आप साइज ले लीजिएगा। बहरहाल अगर आप इमेज की साइज कुछ और लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद ना आपको ओके कर देना है तो आपको एक नया पेज मिल जाएगा। अब हमें पहला हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, हमारा पहला जो काम होगा एक सैप्स लेना है। ठीक है, तो सैप्स लेने के लिए आपको यहाँ आना होगा टूल्स बॉक्स में और यहाँ पे एक सैप्स मिल जाएगा एलिप्स, आपको एलिप्स पे क्लिक कर देना है और कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करके आप ड्रैग करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके ऐसे। यहाँ देखिएगा कोई कलर नहीं शो कर रहा है, तो कलर शो करेगा, कलर आप देना चाहते हैं तो कोई भी एक कलर, कलर से आप ले सकते हैं और ओके कर दीजिए। इतना करने के बाद मोड टूल लेंगे आप, मोड टूल लेने के बाद अपने हिसाब से इसे एडजस्ट करेंगे, जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं वैसे एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा और अंदर लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद देखिएगा यहाँ पे लेयर में हमारे पास अभी एक बैकग्राउंड है और एक सैप्स हमारे पास है। ठीक है, अब मैं इस सैप्स का डुप्लीकेट सैप्स तैयार करूंगा। डुप्लीकेट सैप्स तैयार करने के लिए क्या करना होगा, आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जे। कीबोर्ड से जैसे कंट्रोल जे प्रेस करेंगे अब हमारे पास देखिएगा दो सैप्स हो गए, ये सैप्स हमारा ए है और ये सैप्स हमारा ए है। इस सैप्स की फॉर्मेटिंग हम करेंगे, तो सैप्स की फॉर्मेटिंग करने के लिए या फिर आप लेयर मेन्यू में आ जाइए और यहाँ मिल जाएगा लेयर स्टाइल और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगा और यहाँ से आप ये वाला कलर चूज कर लीजिए और ओके कर लीजिए। यहाँ पे अगर एंगल चेंज करना है तो 120, ठीक है, आपको 120 एंगल पे रख लेना है। और भी कुछ अगर चेंजिंग करना, मतलब साइड इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रैप साइडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से साइड इफेक्ट ऐसे दे दीजिए। ठीक है, अगर आप इसमें आउटलाइन देना चाहते हैं तो स्ट्रोक पे जाइए, स्ट्रोक पे जाने के बाद यहाँ पे आउटलाइन ले लीजिए आप वाइट। ठीक है, वाइट बहुत ही कमाल का ही होने वाला है आज, वाइट कलर ले लेना है और एंगल रख लीजिएगा, मतलब यहाँ पिक्सल 10 पॉइंट रख लीजिएगा या फिर आप कर लीजिएगा 25। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे इफेक्ट शो कर रहा होगा, देखिए ये देखिए। ठीक है, आप और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, 35 कर दीजिए, ये देखिए। इतना करने के बाद साइड इफेक्ट थोड़ा सा आप और बढ़ा लीजिए, जैसे इस इफेक्ट डाल आप अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली दिखाएगा किस एंगल में आपका अप्लाई हो रहा है, देख लीजिएगा साइड में। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इस सैप्स को ना
आपको रेड वाले स्टेप्स के पीछे लेके जाना है। तो इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए मैंने रेड वाला सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे कहाँ पे, लेयर में। लेयर में सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अरेंज, और यहाँ कर देंगे मुझे फ्रंट पे क्लिक कर देंगे। देखिएगा ये येलो वाला जो है वो बैक चला गया। अब इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब एरो बटन से थोड़ा सा ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ले लेना है बैकग्राउंड में क्लिक कर रहा हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आपको लेयर चाहिए। तो लेयर लेने के लिए आपको यहाँ देखिएगा साइड में नीचे बटन पे लिखा है क्रिएट ए न्यू लेयर। आप क्रिएट न्यू लेयर पे क्लिक कर देना है, एक लेयर आपको मिल जाएगा। और यहाँ से ना आप ग्रेडियंट पे जाइएगा और एक कलर इफेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फोटो ऐड करना है इस रेड वाले ऑब्जेक्ट में। कौन सा फोटो मुझे ऐड करना है, ये वाला फोटो, ठीक है। देखिए ये वाला फोटो मुझे इफेक्ट अप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, फोटो मंगाएंगे। फोटो मंगाने के लिए आपको यहीं पे डबल क्लिक प्रेस कर देना है। डबल क्लिक प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला फोटो मुझे चाहिए, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और ओपन कर लिया। फोटो हमारा आ गया। अब यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद आप कॉपी करेंगे। तो कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल सी होता है, आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप आ जाइएगा यहाँ पे जिस लेयर पे या जिस विंडो पर जिस फाइल पे आप काम कर रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जिस भी सेप्स में ऑब्जेक्ट में उसे फील करना है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। मतलब जो ये रेड वाला जो कलर हमारा है इसको सेलेक्ट हमने कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल वी, या फिर एडिट मेन्यू में आके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिएगा इमेज हमारा यहाँ पे आ गया। अब इस इमेज को उठाकर यहाँ रख लो आप यहाँ पे ऐसे, और कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल एल्ट और जी, ठीक है। अभी हुआ क्या, लेयर मास्किंग हो जाएगा। कंट्रोल एल जी प्रेस करेंगे। जी प्रेस करने के बाद अब आप कीबोर्ड से फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट। कीबोर्ड से प्रेस करना है शिफ्ट और एल्ट, और इसे बड़ा करने से ड्रैग करके बड़ा कर लेना है आपको। ये देखिएगा यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करना है इमेज को, ये देखिए थोड़ा साइज छोटा करना है तो आप छोटा भी कर सकते हैं ऐसे। कैसे, कीबोर्ड से शिफ्ट और एल्ट को होल्ड करके। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे किसी भी एक टूल्स पे क्लिक कर देना है और अप्लाई हो जाएगा। चलिए ठीक है, अप्लाई हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करना है। कौन सा, जो नीचे वाला लेयर है ई वाला येलो वाला, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ई वाला कलर, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इसका डुप्लीकेट मुझे चाहिए, तो डुप्लीकेट बनाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल जे, कंट्रोल जे करिएगा और देखिएगा इसका डुप्लीकेट बन गया। अब इसकी साइज मुझे छोटा करना है, तो साइज छोटा करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे शिफ्ट और एल्ट, और यहाँ से कॉर्नर से इसको छोटा कर लेंगे शिफ्ट और एल्ट, ये ध्यान देना आपको। और जहाँ भी मुझे इसे रखना है ऐसे रख लेंगे। साइज अगर हमें बड़ा करना है तो साइज थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद देखिएगा ये जो लेयर हमारा है फोटो वाले लेयर के पीछे चला गया, मुझे उसे फ्रंट लाना है। तो फ्रंट लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा लेयर में, और लेयर में मिल जाएगा अरेंज, और अरेंज मिल जाएगा ब्रिंग टू फ्रंट, क्लिक कर दिया, देखिएगा ऊपर आ गया। अब हमें इसमें एक इमेज ऐड करना है, तो इमेज ऐड करने के लिए हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे। डुप्लीकेट बनाने के लिए कीबोर्ड से फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल जी, कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद शिफ्ट और एल्ट को होल्ड करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे, बस बहुत छोटा सा हल्का करेंगे इफेक्ट, ठीक है, हो गया, अप्लाई कर लेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर आपने किसी भी सेप्स में कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर रखे हैं तो उसमें कोई इमेज अगर आप मास्किंग करेंगे तो नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा जो हमारा ये सेप्स है ना, ये सेप्स, इसमें हमने ग्रेडियंट यूज कर रखा है, आउटलाइन भी सेटिंग कर रखा है, तो मुझे हटा देना है, नहीं चाहिए, नहीं तो इमेज इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे लेयर में। लेयर में आप राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ मिल जाएगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख लीजिएगा
यहाँ पे ड्रॉप साइड इफेक्ट पड़ा हुआ है, अनचेक कर दीजिए, ऐसे अनचेक कर देंगे हट जाएगा। और यहाँ पे ग्रेडियंट लगा हटा दीजिए, यहाँ पे आउटलाइन लगा हुआ हटा दीजिए। इतना करने के बाद ना आप ओके कर दो तो देखिएगा यहाँ पे हट गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस एलिप्स में इमेज लाना है। तो हम फिर थोड़ा सा पेज छोटा कर लेंगे, और इमेज मुझे कौन सा चाहिए, तो मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला इमेज चाहिए, देखिएगा साइड में, ठीक है, जहाँ पे हाथों को रखकर सेट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डबल क्लिक प्रेस करेंगे। डबल क्लिक प्रेस करने के बाद आपको ये वाला इमेज सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों फिर सेम काम प्रोसेस रिपीट करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ आएंगे, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एल्ट जी। उसके बाद इसकी साइज बड़ा करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको बीच में लेके आइएगा और यहाँ प्रेस करिएगा कंट्रोल शिफ्ट और एल्ट। शिफ्ट और एल्ट को प्रेस करके इसकी साइज ऐसे बड़ा कर लीजिएगा। देखिएगा अगर आप शिफ्ट के साथ भी बड़ा कर सकते हैं, बहरहाल मैं इसलिए कह रहा हूँ एल्ट के साथ प्रेस करने के लिए, क्योंकि जो इमेज की साइज है ना वो चारों तरफ से एक बराबर बड़ा होगा, ठीक है, इसलिए इसको फिर अब हमें यहाँ रहा काम हो गया, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये तो हमारा हो गया। अब मुझे ये वाला जो हॉट वाला है जिसमें इमेज लगाया गया उसको मंगाना है। तो उसको मंगाने के लिए करना पड़ेगा, आपको एक हॉट सेप्स चाहिए। तो हॉट सेप्स को लाने के लिए आपको टूल्स में आना है, और यहाँ पे ना क्लिक करना है आपको ऐसे, राइट बटन जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे मिल जाएगा कस्टम सेप्स टूल्स, आपको इसी पे कर देना क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे ना देखिए सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी एरिया में आपको हॉट पे क्लिक कर देना है। हॉट पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट को होल्ड करना है और ऐसे ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने के बाद कलर अगर कुछ अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मूव टूल से इसे एडजस्ट करिए जहाँ भी आप एडजस्ट करना, मान ली मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना है, हमने एडजस्ट कर लिया, थोड़ा नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना ये है कि इमेज ला के सेट करना है। तो इमेज सेट करने के लिए आपको पहले यहाँ बगल में क्लिक करेंगे, मुझे कौन सा इमेज चाहिए, तो मान लीजिए मुझे इमेज यहाँ पे चाहिए ए वाला, हमने सेलेक्ट किया और ओपन किया। ओपन करने के बाद कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल वी, पेस्ट हो गया। अब पेस्ट होने के बाद कीबोर्ड से फिर प्रेस करेंगे कंट्रोल एल्ट और जी, तो ऑटोमेटिक सेप्स जो आपका हार्ट का सेप्स बना हुआ है उसमें जाके फेल हो जाएगा। अब इसे हम एडजस्ट करेंगे ऐसे शिफ्ट और एल्ट को होल्ड कर करके, देखिएगा बहरहाल मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद फेस दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे नीचे ड्रैग कर लेंगे, ये देखिएगा एडजस्ट हो गया। थोड़ा सा साइज आप छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा, हाँ ऐसे, ये देखिए एडजस्ट हो गया। अब हम इसे अप्लाई कर लेंगे, हाँ देखिएगा अप्लाई करने के लिए एंटर भी प्रेस कर सकते हैं, अप्लाई तब भी हो जाएगा। अब हमें इस सेप्स की इफेक्ट को चेंज करना है, ठीक है। अब इस सेप्स के इफेक्ट को चेंज करने के लिए यहाँ जाइएगा लेयर में, देखिए लेयर नंबर टू को सेलेक्ट करेंगे। जब लेयर नंबर टू को, देखिए इमेज आपका ही है, लेयर ये है जो सेप्स अपने हॉट बना रखा है, ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक सिलेक्शन भी हो गया है, ठीक। आप देखना जरा, मैंने इमेज पे क्लिक किया, देखिए सिलेक्शन लार्ज में दिखा रहा है, अगर हमने यहाँ पे सेप्स पे क्लिक किया तो सिलेक्शन देखिएगा सिर्फ सेप्स का दिखा रहा है, ठीक है। तो वैसे सिलेक्शन कर लीजिएगा, लेयर थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक। अब इस सेप्स पे आप राइट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ मिल जाएगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ से इफेक्ट अप्लाई चेंज करेंगे, तो मैंने साइड में कर लिया, ड्रॉप साइड पे क्लिक किया, यहाँ से देखिएगा इफेक्ट हमने दे दिया ए वाला, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ से आउटलाइन पे क्लिक किया, स्ट्रोक पे क्लिक किया और हमने आउटलाइन ले लिया वाइट और कर दिया ओके, वाइट हो गया, लेकिन हमने आउटलाइन दे दिया इसको 20%, देखिएगा इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 25% कर लिया। और मुझे यहाँ पे इन्वर्स इफेक्ट देना था, इन्वर्स इफेक्ट पे क्लिक करें, देखिए इन्वर्स साइड दिया ना, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिएगा इफेक्ट ऐसे चेंज कर दीजिएगा, बहुत ही ये मान लीजिए इफेक्ट अच्छा लगेगा, ये देखिए बहुत ही इंट्रेक्टिव लगेगा। मैंने ओके कर दिया, देखिएगा हमने इमेज को सेलेक्ट किया, देखिएगा मैं चेंज कर रहा हूँ कितना सुंदर लग रहा है, देखिए एक मतलब बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा इस पर। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ तो मेरा काम हो गया,
अब हमें यहाँ पे इस इमेज को नहीं चाहिए तो मैं साइड कर देता हूँ और यहाँ इस पर क्लिक कर देते हैं। ये तो हो गया, ये भी हो गया, मुझे इन तीनों इमेज को ऐड करना है। तो पहले इस इमेज को मैं ऐड कर ले रहा हूँ, इसको मिनिमाइज कर लिया। अब इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना आपको कंट्रोल ए। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस भी फाइल में आपको लेके जाना है उसको सिलेक्ट करिएगा, लेयर में सबसे नीचे आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद इस वाले इमेज को सिलेक्ट करिए और मूव टूल से मूव करा लीजिए ऐसे। तो देखिएगा यहाँ पे मूव होके आ गया, लेकिन ये इमेज शो नहीं कर रहा है। देखिएगा इमेज बैकग्राउंड के पीछे चला गया। अब हमें इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद अब इसे एडजस्ट करना है आपको। एडजस्ट कैसे करेंगे आप? एडजस्ट करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट और एल्ट को होल्ड करिएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। बड़ा करने के बाद अब थोड़ा सा डाउन एरो से डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे बस थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और यहाँ से मूव करा लीजिए। अब देखिएगा हो क्या रहा है, यहाँ पे जो आपका ई वाला लेयर है, लेयर नंबर वन के नीचे आपका इमेज है, आप यहाँ से देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको रेजर से मिटाएंगे। जब लेयर से मिटाएंगे तो ऑटोमेटिक इमेज हमें दिख जाएगा। कैसे, देख लीजिए, हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने रेजर ले लिया। रेजर की ऑपेसिटी यहाँ से सेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे 25 है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, हम थोड़ा सा बढ़ा लिए, ठीक है, मतलब 60% से ऊपर हो, 60%। और यहाँ पे आप रेजर की ऑपेसिटी कर लीजिएगा 300, थोड़ा हल्का करना है आपको। बस इतना करने के बाद ना आपको आ जाना अपने पेज पर और यहाँ पर रेजर की साइज बढ़ा लीजिएगा। रेजर की साइज बढ़ाने के लिए आपको यहाँ आना होगा जहाँ पे लिखा है मास्किंग लेयर, और यहाँ पे क्लिक कर लेना ऐसे। बड़ा करने के बाद यहाँ आएंगे, देखिएगा यहाँ पर रिजर्व के साइज में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और देखिएगा अभी इमेज हमारा शो कर रहा होगा, ये देखिए नीचे ट्रैक कर लीजिए इस तरीके से, ये देखिए शो कर गया। अब मुझे एक इमेज और चाहिए, तो एक इमेज और लाने के लिए आपको क्या करना होगा, दूसरी इमेज को मंगाना है। तो हमने क्लोज कर दिया, दूसरा इमेज हमारा कौन सा, फिर डबल क्लिक मारेंगे, अब मुझे ये वाला इमेज चाहना था, आ गया, फिर इसे मूव करा लेंगे आप ऐसे, ट्रैक कर लेंगे। लेकिन हाँ, मूव कराने से पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसे बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद अब इस इमेज को मंगा लेंगे। देखिएगा ये भी बैकग्राउंड के पीछे चला गया। इसकी साइज आप बड़ा कर लीजिएगा, कीबोर्ड से कंट्रोल, कीबोर्ड से एल्ट और शिफ्ट को होल्ड करके, ये देखिए। अब हम फिर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद लेयर नंबर वन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से रेजर ले लेंगे और इसको भी मिटा देंगे ऐसे, बस ऐसे मिटा दीजिएगा। मतलब थोड़ा क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए। अब देखिएगा आपको एक चीज यहाँ पे नजर आ रही होगी, बैकग्राउंड यहाँ देखिएगा जो सट जा रहा है ना, तो आपको एक लेयर और ले लेना है ऐसे, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद एक लेयर आपको और ले लेना, तो लेयर से क्लिक कर दीजिएगा, एक लेयर आपको मिल जाएगा और यहाँ पे ना आपको आ जाएगा लेयर पे सिलेक्ट, लेयर नंबर 7 को सिलेक्ट करके अब आ जाएगा यहाँ पे जहाँ पे लिखा है ग्रेडियंट, यहाँ पे रेड बटन प्रेस करिएगा और यहाँ मिल जाएगा आपको पॉइंट पॉकेट टूल्स, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे कलर ले लीजिएगा आप येलो। तो मैंने कलर ले लिया येलो। येलो लेने के बाद आपको फील कर देना है ऐसे, तो बैकग्राउंड कलर हो गया फील। अब इन दोनों को हम मैचिंग कराएंगे। मैचिंग कराने के लिए बस अब लेयर को सिलेक्ट करिएगा, रेजर ले लीजिएगा और हल्का हल्का इसे ऐसे ऐसे ट्रैप कर दीजिएगा, ऐसे हल्का ट्रैप करना है, ये देखिए हल्का ट्रैप करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको वैसे हल्का मिटा देना है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इफेक्ट थोड़ा सा अलग पड़ जाएगा। इसे भी सेलेक्ट कर लीजिए लेयर नंबर सेलेक्ट को और इसे भी ऐसे हल्का कर लीजिएगा, ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम और मिटा देते हैं लेयर नंबर 5 को, अब पता चले, हाँ ये देखिए इतना इफेक्ट हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज मुझे चाहिए, तो इमेज लाने के लिए करना पड़ेगा आपको, फिर इसे छोटा कर लीजिएगा और सेकेंड इमेज जो भी आप मंगाना चाहते हैं आप मंगा सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और मुझे ये यहाँ इमेज ये वाला लगाना है, कर दीजिएगा ओके। अब इस इमेज में कोई भी मास्किंग नहीं करना आपको, बस डायरेक्ट मूव करा लीजिए ऐसे डायरेक्ट। लेकिन ये चला कहाँ गया, पीछे, मुझे इसे फ्रंट चाहिए, ऊपर चाहिए,
ऊपर लाने के लिए आपको लेयर पे जाना होगा और यहाँ मिल जाएगा अरेंज, यहाँ पर लीजिएगा फ्रंट, देखिएगा इमेज की साइज एल्ट और शिफ्ट के साथ ऐसे होल्ड करके बड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप ऐसे रोटेट कर लीजिएगा, थोड़ा से साइज आप छोटा कर लीजिएगा। बस इतना करने के बाद आपको कर देना अप्लाई। अप्लाई करने के बाद दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रेजर लेना है। रेजर लेने के बाद आपको हल्का हल्का ऐसे ऐसे टचिंग करना है, देखिएगा ऐसे ऐसे हल्का करना है, ठीक है। ये इफेक्ट आपका ऐड। और देखिए क्या है कि जब लेयर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो फोटोशॉप में कोई भी काम बहुत आसानी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर लेयर समझ में आपको नहीं आएगा तो फोटोशॉप में सही तरीके से आप काम नहीं कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहरहाल अब इसे मुझे इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल में, और फाइल में जाने के बाद आपको मिलेगा शेप, शेप के बटन पर क्लिक कर देना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। किस नाम से मैंने बनाना है, मान लीजिए मुझे बनाना है यहाँ पे टुडे के नाम से, तो मैंने टुडे ऐड कर दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इमेज एक्सपोर्ट करना है, इमेज बनाना है, तो आपको यहाँ पे जेपीजी सेलेक्ट करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे जेपीजी नहीं चाहिए, मुझे फिर इसी में कुछ करेक्शन करना है, तो दोस्तों आप इसे PSD में रखिएगा, यहाँ पे PSD में रखिएगा। दोबारा आप इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर इमेज चाहिए तो इमेज पे क्लिक करिएगा JPG पे और कर दीजिएगा शेप, और ये फाइल आपकी शेप हो गई। यहाँ पे आप इसकी ऊंचाई बढ़ा के ओके कर दीजिए और देखिएगा ये इमेज आपका बन गया। आप इमेज देखना चाहते हैं तो दोस्तों ये डेस्कटॉप इमेज आपका है 2D के नाम से, आप डबल क्लिक प्रेस करिएगा और देखिएगा इमेज बनकर तैयार हो गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे हमारी पहली बार, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइए जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।